ये है दिल्ली दर्पण। विकास गोयल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी, एक सार्थक चर्चा काफी समय बाद सदन के अंदर देखने को मिल रही है। काफी सारे सुझाव विपक्ष ने भी रखे हैं, पक्ष सत्ताधारी बीजेपी ने भी रखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी रखे हैं। क्या आपको लगता है कि अब कुछ परिणाम निकलेंगे, कोई जो समस्या है कर्मचारियों की वो अब दूर हो पाएगी? देखिए, बड़ी एक शर्मनाक चीज ये है कि आज हाउस चला, हमने बड़प्पन दिखाते हुए आज विपक्ष हाउस चला रहा है, सुझाव भी दे रहा है, लेकिन आपने देखा होगा सत्ता पक्ष की सुई एक ही जगह अटकी हुई है, दिल्ली सरकार। ये वो ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, वो अपने किसी इंटरनल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, कहीं से बात नहीं कर रहे, साउथ हेम सिटी से पैसा लेना उसकी बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार। तो ऐसी सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। अगर उनका एक माइंड सेट है कि उनको सिर्फ राजनीति करनी है और दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलना है, तो ऐसे समस्या हल नहीं हो सकती, समस्या ऐसे ही चलती रहेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम आपकी तरफ से जाने तो बहुत सारे आपने सुझाव दिया, मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताएं अपने तरफ से कि कौन कौन से सुझाव थे जिन पर मुख्य तौर पर अगर काम किया जाए तो बहुत जल्द ही जो कर्मचारी उनकी जो सैलरी है उसका जो निपटारा है वो हो सकता है। बहुत से सुझाव है, करोड़ों रुपए का इनका हाउस टैक्स बाकी पड़ा है, करोड़ों रुपए पार्किंग वालों में बाकी पड़े हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन वालों से लेने हैं और बड़े बड़े बिल्डरों से पैसे लेने हैं, सब लो, इतने पैसे हैं इनको, मैं कह रहा हूँ कि एक रुपया कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेके राजी नहीं है, किसी को नोटिस भेज के राजी नहीं है, किसी से पैसे लेके राजी नहीं है। जितनी पॉलिसी बनाते हैं सब पार्किंग ठेकेदारों के हित में बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वालों के हित में बनाते हैं, बिल्डरों के हित में बनाते हैं। ये जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 14 साल से बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का जी जीता जागता उदाहरण है कि आज इस स्थिति में एमसीडी पहुंच गई। बीजेपी सरकार जो निगम के अंदर है वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार लगातार राजनीति कर रही है, अगर वो चाहे तो बहुत आसानी से जो चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जा सकती हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है ताकि आगे चल के इस मुद्दे को भुनाया जा सके निगम के चुनाव के। आपने देखा हाउस में राजनीति कौन कर रहा है? हम सब चीज़, मैंने खुद कहा ना कमिश्नर साहब से कि बताओ दिल्ली सरकार से क्या लेना है, बताओ दिल्ली सरकार को क्या देना है, क्यों नहीं बता रहे कमिश्नर साहब? आज भी काट पीट के दिल्ली सरकार को एमसीडी से लेना है, कुछ ना कुछ दिलवाते ना मेरी उस बात का जवाब। उसके बाद तो मैंने और भी सुझाव रखे, लेकिन इनकी सुई तो एक जगह अट गई है। राजनीति ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो दिल्ली सरकार पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, भारत सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, एमसीडी के रेवेन्यू पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इनको अब रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है, इनको एमसीडी को नहीं सुधारना, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है और दिल्ली सरकार को गाली देनी है। हम अगर कमिश्नर की बात करें तो ज़्यादातर अगर बीजेपी के भी जो निगम पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं कि जो कमिश्नर है जल्द जवाब नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं काम करने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें कोताही बरत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जिसकी वजह से निगम के अंदर जो कार्यशैली है उसके अंदर जो प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अधिकारियों की इतनी कमी है, अधिकारी हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जब 19 अधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर एक आम पार्षद क्या करेगा? आम पार्षद तो दुखी होगा ही। विकास गोयल का सीधे तौर पर यही कहना है कि सार्थक चर्चा जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस सार्थक चर्चा को हम सही नहीं मान सकते जब तक कि सुई एक तरफ ना अटकी रहे। सार्थक चर्चा का अर्थ विकास गोयल की तरफ से कहना है कि ये है कि सभी जो पार्टियाँ जो अपने सुझाव रख रही हैं उस पर काम किया जाए और उस पर अमल किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो निपटारा है निगम कर्मचारियों की तनख्वाह का वो निपट सके। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।